स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम। ओके, और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक रहेगा वो इस पे बेस्ड होगा कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग ऑनलाइन सीखना चाहिए कि ऑफलाइन सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि जब हम ऑनलाइन कोचिंग सीख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, तो फिर हम ऑफलाइन क्यों करें। ठीक है, तो अब मैं इस पे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज भी बताना चाह रहा हूँ ऑनलाइन का, और कुछ डिसएडवांटेज भी बताना चाह रहा हूँ ऑनलाइन का। ओके, कुछ ऑफलाइन का मैं आपको एडवांटेज भी बताऊंगा और ऑफलाइन का डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो आपका कोचिंग है या ऑनलाइन जो आपका ट्रेनिंग है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि जिसमें कोई फैकल्टीज किसी भी स्टूडेंट को फेस टू फेस या लाइव सिखाता है, और दूसरा जो होता है उसमें हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन में दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, फेस टू फेस मींस जिसको हम लाइव क्लासेस बोलते हैं, और दूसरा ये है कि जिसमें फैकल्टीज या जो भी आपका ट्यूटर है वो आपको रिकॉर्ड करके दे देगा और उसको आपको लर्न करके सीखना है। ठीक है, तो अब इसमें यदि आप फेस टू फेस या लाइव सीखते हैं, लाइव क्लासेस सीखते हैं, तो इसमें से कुछ हद तक तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड तो मैं आपको फर्स्ट टाइम के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप सिर्फ एक स्टोरी की तरह सीख सकते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, खासतौर से मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट टाइम में आप किसी भी कोड को बिना एरर के चला ही नहीं पाएंगे, आप भले कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 में 100 यदि आप गेट करके आए हुए हैं, तब भी आप प्रोग्रामिंग को यदि फर्स्ट टाइम चलाएंगे, मैं बेसिक प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, यदि मैं लॉजिक की बात करूं तो प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आपसे होंगे। अब यदि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू करते हैं तो उस मिस्टेक को सॉल्व तो आप कर पाते हैं, पर उसको आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब यदि आप हर मिस्टेक को सॉल्व करने में 4 घंटे या 5 घंटे का टाइम यदि आपका जाएगा, तो आपका प्रोग्रामिंग यदि आप 2 महीने का कंटेंट सीखना चाहते हैं तो वो साल भर में आपका कंटेंट कंप्लीट होगा। और मेरे ख्याल से आज के डेट में किसी भी स्टूडेंट के पास इतना पेशेंस नहीं होता कि वो साल भर तक किसी भी लैंग्वेज के लिए वेट करे। तो यदि आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप किसी भी पर्टिकुलर एक ऐसी वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं जहां पर लेक्चर पहले से अपलोडेड है, बस आप उसको देख देख के सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरह से परफेक्टली आप नहीं सीख सकते। दूसरा आता है लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस के अंदर एडवांटेज ये है कि आपका टाइम बच जाएगा आने जाने का। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे आप किसी दूसरी सिटी में बिलोंग करते हैं, और यदि आपको किसी अदर सिटी में जाकर के यदि रहने का जो एक्सपेंसिव है वो आपका बच सकता है। लेकिन मैं लाइव क्लासेस भी आपको इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, यदि आपके पास कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लाइव क्लासेस करिए, अदरवाइज आप ऑफलाइन मोड को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि लाइव क्लासेस के अंदर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जब तक फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान इन द सेंस कि जैसे आप वीडियो, आप बोलोगे हम वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, आप वीडियो के थ्रू भी कम्युनिकेट करोगे, लेकिन जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन में आप आमने सामने बैठ करके जो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो या सामने वाले से जिस तरीके से आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो, वो चीज़ आप लाइव क्लास के अंदर नहीं कर सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है लाइव क्लासेस के अंदर कि यदि आपके पास किसी भी टाइप का कोई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या किसी भी टाइप का कोई टीचर्स के एंड से या स्टूडेंट्स के एंड से कोई भी यदि आपका इंटरप्शन हुआ, तो आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है वो आपको समझने में वापस से आप उसको रिकॉप नहीं कर पाओगे, वापस से आप उसको नहीं समझ पाओगे। क्योंकि आपको देखो नेटवर्क के अंदर अभी भी इंडिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो नेटवर्क में है ही है, कि जैसा कम्युनिकेशन हम चाह रहे हैं वैसा कम्युनिकेशन आपको लाइव क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा ये रहेगा आपको कि एक इन्वायरमेंट ऑफलाइन, क्योंकि मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं आपको अदर सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईएएस की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीएससी की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोडिंग के प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। और कोडिंग के अंदर आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि कोडिंग एक्चुअली क्या सबसे बोरिंग चीज है। देखो दुनिया में जो सबसे बोरिंग चीज होगी वही चीज आपके लिए सबसे बेटर होगी। अब जब कोडिंग आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको बहुत सारा बोरियत महसूस होती है, आपको लगता है कि मैं इसको जितना जल्दी रन करूं और उसके बाद भागूं, ऐसा इस तरीके का दिमाग आपके माइंड में आएगा। यदि आप चाहते हो कि ये दिमाग में आपके ना आए तो आपके पास एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब 10 लोग कोडिंग करेंगे आपके दिमाग में ऐसी थिंकिंग आएगी भी, तो आप दूसरों को देख करके आप अपने दिमाग को संभालोगे कि ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं, और जो 10 के 10 जो आपके टीममेट्स हैं वो इसी तरीके से एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे को कॉपी करके बहुत अच्छे से
कोडिंग कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल किसमें है? ऑफलाइन में पॉसिबल है। तो ऑफलाइन के अंदर कम्युनिकेशन आपका 100% है, डाउट सेशन आपका 100% रहेगा, ठीक है। साथ के अंदर, साथ में आपका किसी भी टाइप का कोई इंटरप्शन भी नहीं होगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हो, तो बिगिनर लेवल पे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस के अंदर भी नहीं जाना है, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोई भी कर सकता है। जो बंदा रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा है, उसकी कोई अथोराइजेशन नहीं है कि जो कंटेंट वो कवर कर रहा है, वो जो आपको बता रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जिस टाइप का कंटेंट वो बोल रहा है, वो कंटेंट वैलिड भी है कि नहीं है, ठीक है। उसका कोई अथोराइजेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला बंदा हो सकता है कि कोई रेडीमेड स्क्रिप्ट लिख रहा हो, सामने उसके स्क्रिप्ट चल रही हो, उस स्क्रिप्ट को देख करके वो बोल रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो उसको पूरा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसने पहले से रिकॉर्ड करके प्रोग्राम रखा हुआ है। क्योंकि आप 90% केस में देखेंगे कि जितने भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कोडिंग में, बेसिक प्रोग्राम तो वो टाइप करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वीक सेकेंड वीक के अंदर के लेक्चर आप देखिए, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, वो प्रोग्राम आपका बना बनाए रखेंगे, क्योंकि इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो प्रोग्राम टाइप करेंगे। और प्रोग्राम यदि टाइप भी करेंगे तो वो प्रोग्राम बहुत सिंपल लेवल का प्रोग्राम लेंगे, बहुत सरल प्रोग्राम लेंगे और उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन जब आप क्लासरूम सेशन अटेंड करेंगे, तो क्लासरूम में जो आपका टीचर्स होगा, वो आपको कुछ एडवांस प्रोग्राम भी देगा, आपको असाइनमेंट्स भी देगा। आपका जो असाइनमेंट्स होगा, उस असाइनमेंट्स को आप डिस्कशन भी कर सकते हो। और मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो इन्वायरमेंट बनेगा, आपके जो टीममेट्स बनेंगे, आपके जो कलीग्स बनेंगे, उनसे भी आप सीख सकते हो। क्योंकि आप ये भी देखोगे कि आप जब ऑफलाइन क्लासेस करते हो, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं, जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, उससे आप सजेशन ले सकते हो, उससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप उससे क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप एक ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कर सकते हो, जबकि ये चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पर वो 2 या 3 दिन तक तो आपको बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस में बताते हैं, उसके बाद वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लगा देते हैं। क्योंकि आपको आपका आपके दिमाग में ये रहता है कि सामने वाला बंदा आपको अच्छे से सिखा रहा है, आप डाउट नहीं पूछते होते। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर जब डाउट नहीं पूछते हो, तो सीधी सी बात है, सामने वाला बंदा 2-3 दिन देखेगा कि किसी भी टाइप का कोई डाउट्स नहीं आ रहा है, किसी भी टाइप का कोई क्यूरीज नहीं आ रहा, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देगा। और साथ में आपको ये भी बोला जाएगा कि सैटरडे को आपका क्या होगा, डाउट सेशन होगा। तो आप यहीं पे समझ जाइए। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिल्कुल स्टैटिक्स होते हैं, उसमें आपका दिमाग का जो पर्टिकुलर, जितने भी दिमाग के अंदर के जो लॉजिक्स बिल्डिंग होते हैं, वो आप अच्छे से नहीं सीख पाते। आप सिर्फ रटंत विद्या पे काम करते हो, आप बस रट लोगे, 5 प्रोग्राम आपको याद होगा, आप 5 से 6 प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपका जो कोर प्रोग्रामिंग सीखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि आपका लॉजिक स्किल्स बहुत अच्छा हो, आपका लॉजिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। और ये जितने भी कोर प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हो, उससे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। आप पाइथन कोर पढ़ते हो, उससे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। जावा कोर पढ़ते हो, उससे आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। जावा स्क्रिप्ट से आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। प्रोजेक्ट बनते किससे? फ्रेमवर्क से। जैसे यदि आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट से प्रोजेक्ट बनते हैं, रिएक्ट के अंदर रिडक्स से प्रोजेक्ट बनते हैं, रिएक्ट से भी नहीं बनता। रिएक्ट के अंदर क्या यूज करते हैं? अपन रिडक्स यूज करते हैं। एंगुलर से भी नहीं बनता, एंगुलर के अंदर अपन उसका पूरा फ्रेमवर्क पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आप कोर प्रोग्रामिंग करते हो, उस कोर प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो। और यदि आप रिकॉर्डेड लेक्चर से सीखते हैं, तो आपका लॉजिक बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं होगा, बल्कि आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम तक ही आप अपना फोकस रखेंगे। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि आपको प्राइमरी स्टेज पर यह ट्राई करना चाहिए कि आप क्लासरूम सेशन या ऑफलाइन सेशन करें। सेकेंड ये है कि यदि आपके पास बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप लाइव क्लासेस अटेंड करें। वो भी लाइव क्लासेस में आप प्रॉपर वे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ें, और साथ में आप डाउट्स भी पूछें सामने वाले टीचर्स से, ठीक है। और तीसरा ये ऑप्शन है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप रिवाइज के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले से आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा भूल भी जाते हैं। यदि अपन टेक्नोलॉजी के टच में नहीं रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी में हम 2 या 3 महीने के अंदर भूल भी जाते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए बेटर तब हो सकता है कि जब आपको पहले से आता हो, आप रिवाइज करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप टेक्नोलॉजी सिर्फ देखते जाओगे, आपका टाइम खराब होता जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू।